नमस्कार, त्रिपुरा से बहुत बड़ी खबर है। त्रिपुरा में बीजेपी ने विरोधियों का सफाया कर दिया है और एक बड़ी ऐतिहासिक जीत की है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। वहां पर एक तरफा जीत में लेफ्ट और कांग्रेस का सफाया हो गया है और बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके अपनी जीत की खुशी जाहिर की है और इसके लिए उन्होंने ट्वीट किया है कि त्रिपुरा का भाजपा पर भरोसा कायम है। मैं पंचायत चुनावों में पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए लोगों का धन्यवाद करता हूँ। त्रिपुरा के ग्रामीण इलाकों में परिवर्तनकारी कार्य कई लोगों के जीवन पर सकारात्मक असर डाल रहा है। तो भाजपा ने यहां पर पंचायत चुनाव में 90% सीटों पर जीत हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि मैं अन्य राज्यों के भाजपा कार्यकर्ताओं से अपील करूंगा कि वे त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं से संवाद करें। राज्य में पार्टी की लगातार जीत विकास की राजनीति और लोकतांत्रिक जनभाव की शक्ति को दर्शाती है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से त्रिपुरा में एक प्रचंड जीत हासिल की है बीजेपी ने। आपको बता दें कि जिला परिषद 108 डिस्ट्रिक्ट के 116 जिला परिषद में से बीजेपी ने 114 सीटों पर जीत हासिल की है और पंचायत समिति की 419 सीटों में से जिसमें 35 ब्लॉक में 411 सीटें जीती है। पंचायत समिति के 419 सीटों में से 411 सीटें जीती है और ग्राम पंचायत की 6111 सीटों में से 5916 सीटें जीती है। तो ये आंकड़ा आप लगा सकते हैं कि त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री हैं बिप्लब देव, उन्होंने ये जानकारी ट्विटर पे शेयर की और इसके को रिट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री ने अपनी खुशी जाहिर की और उस पे ये संदेश लिखा है। तो त्रिपुरा में बीजेपी ने बहुत प्रचंड जीत हासिल की है और कर्नाटक में अभी कांग्रेस का वहाँ पर कांग्रेस मुक्त हुआ। जेडीएस और कांग्रेस को जो बहुमत नहीं मिला वहाँ पे, जो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए, अब त्रिपुरा में जो ये बड़ी विजय है वो एक साफ सा इशारा करती है कि त्रिपुरा में इतने सालों तक जो लेफ्ट का रूल था अब वो पूरी तरह से सफाया होता हो जा रहा है गाँव से भी। और किस तरीके से वहाँ बीजेपी अपना कार्य कर रही है, ये त्रिपुरा जैसे राज्य में जो पूर्वोत्तर का एक शानदार राज्य है वहाँ पर ये बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने और तमाम लोग इस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं। वहीं आपको बात बता दें कि आज कल सबसे बड़ी चर्चा का विषय है कश्मीर में। कश्मीर को लेकर आज कल बहुत सारी खबरें और अफवाहें भी सामने आ रही है। तो कल ही एक न्यूज़ चली थी कि अतिरिक्त सुरक्षा बल वहां पर कश्मीर में भेजे जा रहे हैं, लेकिन उस पर गृह मंत्रालय ने उस पर विराम लगा दिया और गृह मंत्रालय ने कहा है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं, जो 10,000 अतिरिक्त सैन्य बल भेजे जा रहे थे वही भेजे जा रहे हैं। और किस तरीके से वहाँ पर गिलानी हो या अलगाववादी हो, इस तरीके की अफवाहें फैला कर वहां पर एक विद्रोह पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो भी सरकार अपना कदम उठाएगी वो अपने अनुसार उठाएगी और इस तरीके की जो तमाम बातें फैला रहे हैं या झूठ फैला रहे हैं उन पर लगाम लगाने के लिए ज़रूरी है। क्योंकि किस तरीके से हर दिन ये बात आती है कि नहीं, कुछ अलग अफवाह डाल देते हैं, कभी कुछ अफवाहें वहाँ पर फैलती जा रही हैं। तो जो 280 कंपनियां या 28,000 जवानों की तैनाती की बात की जा रही थी वो बात सिरे से गृह मंत्रालय ने खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा, लेकिन ये बात है कि जिस तरीके से कश्मीर में जो हालात बने हुए हैं, जो अब बात सामने आ रही कि 35A को हटाने को लेकर वहां पर बात चल रही है, किस तरीके से फारूक अब्दुल्ला कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले और उन्होंने कहा था कि कोई जल्दबाजी में फैसला न ले सरकार। वहीं आपको बता दें महबूबा मुफ्ती बोल रही हैं कि 4 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए श्रीनगर में। किस तरीके से वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आगे बढ़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ बता दें कि जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आज जिस तरीके से फिर बात कही कि भारत के प्रधानमंत्री बहुत अच्छे हैं और अगर वो चाहें तो हम मध्यस्थता कर सकते हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता एस जयशंकर ने ये ट्वीट कर कहा है कि ये द्विपक्षीय मुद्दा है, अमेरिका की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अमेरिका को
जो अपनी टांग अड़ाने की आदत है उसको ये बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि ट्रंप बेमतलब में इन चीज़ों में अपने को घुसेड़ रहे हैं। ये ट्रंप के लिए भी अच्छा नहीं है और भारत और अमेरिका के रिश्तों के लिए भी अच्छा नहीं है। तो अमेरिका को अपने मामलों को ध्यान रखना चाहिए और भारत के जो आंतरिक मामले हैं उसमें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो भारत ने, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात कही आज, उसको सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि कश्मीर पर कोई भी मध्यस्थता स्वीकार्य नहीं होगी। तो अब ये बड़ी बात यहाँ पे सामने आ रही है कि जिस तरीके से पाकिस्तान हो या अलगाववादी हो, कश्मीर पर जो भी भारत के एजेंसियाँ हैं या भारत की सरकार है वो काम कर रही है। अब आपको बता दें कि कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, जो CRPF है या और अन्य सुरक्षा बल की एजेंसियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, उनको तैनाती के लिए अब C-17 एयरफोर्स का जो एयरक्राफ्ट है उसको इंक्लूड करेगा और उसके तहत घाटी में उनको भेजा जाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और जो श्रीनगर में, जो कश्मीर में जो अभी हालात है, ताज़ा हालात को एयरफोर्स और आर्मी को अलर्ट पर रखा गया है, हाई अलर्ट पर हैं। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कश्मीर में 35A और 370 को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है, कहीं अलगाववादी या वहां पर महबूबा मुफ्ती या फारूक अब्दुल्ला कुछ वहां पर उपद्रव न फैलाएं, उसके लिए भी वहां पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की जा रही है। और जो कश्मीर में वहाँ पर घुसपैठ कराने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, उसको भी लगाम लगाने के लिए वहाँ पर अतिरिक्त सैन्य बल भेजे जा रहे हैं। और जो 28,000 अन्य सैन्य बलों की 250 कंपनियाँ वहाँ पर भेजने की बात की जा रही थी, वो गृह मंत्रालय ने खारिज किया है। तो इस तरीके से ये बहुत बड़ा मुद्दा है। और वहीं सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर का मुद्दा भी चल रहा है। राम मंदिर के जो मध्यस्थता की बात की थी पहले सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें मुस्लिम पक्षकार और हिंदू पक्षकार दोनों थे, उन्होंने क्या बातचीत, क्या निष्कर्ष निकाला, उसकी आज फाइनल उस पर फैसला सुनाएगा। और उसके बाद अब डेली हेयरिंग होगी सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर को लेकर, और उस पर कब तक फैसला आता है ये भी देखने वाली बात है कि कब राम मंदिर बनेगा। क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राम मंदिर बनेगा, या तो सरकार कोई अध्यादेश लाएगी, क्या सरकार कानून बनाकर उस पर वहाँ पर मंदिर बनाएगी, क्योंकि सरकार पहले ही ये बात साफ कर चुकी है कि अयोध्या में राम मंदिर ही बनना चाहिए। तो वहीं संत अखाड़े जो भी हैं, तमाम इतने आंदोलन हुए तमाम सालों से, जो राम मंदिर को लेकर आंदोलन बढ़ रहे हैं, और देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में इसका निर्णय क्या आता है, कब तक राम मंदिर बनता है। क्योंकि जो बाबरी मस्जिद का नाम दिया गया, जिस बाबरी ढांचे को वहां पर किस तरीके से, पहले बाबरी का कोई यहां पर वजूद नहीं था, बाबरी एक आक्रमणकारी था, बाबर को भारत से नहीं जोड़ा जाना चाहिए, बाबर का यहाँ से कोई नाता नहीं है, और बाबर जैसे आक्रमणकारियों की कोई चीज़ें यहाँ पर स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट देखते हैं कि किस तरफ क्या निर्णय देता है, क्या वो आक्रमणकारी के साथ होता है, ये तो देखने वाली बात है। लेकिन जो अयोध्या का जो नाम है, जो अयोध्या की पहचान है, वो भगवान श्री राम से है, और वहाँ पर मंदिर बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यहाँ की पहचान है और यहाँ के लोगों की आस्था का सवाल है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब देखते हैं इस पर निर्णय कब तक आता है। लेकिन साधु संत हो या समाज हो, हर कोई इस पर जल्द ही निर्णय चाहता है।